नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण कृषि दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। मैं राजकुमार, आपका कृषि दोस्त। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं बरबट्टी की फसल को लेकर। जी हां दोस्तों, ए से लेकर जेड तक मैंने आपको बरबट्टी की फसल कैसे करते हैं इसकी प्रक्रियाओं को समझाया इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नए दोस्त हैं उन सभी को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा। लगातार हम इस चैनल में आप सभी के लिए लेकर आते हैं कई प्रकार की वेजिटेबल्स के बारे में जानकारी, जो से ए से लेकर जेड तक होता है, और उसको बीज का उपचार कैसे करते हैं और मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, उसमें कौन सी मेडिसिन डालने पड़ते हैं जो कि अच्छा मुनाफा देता है आपको। इस प्रकार के तमाम वीडियो आपने आज तक हमारे वीडियो देखा है, खीरे का दिखाया, बीन्स का दिखाया, कई प्रकार के जो कि 25-25 दिन के अंदर ही इसमें फलन तैयार हो गए थे। तो इसी प्रकार से ए से लेकर जेड तक मैंने आपको बताने की प्रयास किया है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीज उपचार कर रहा हूं, और यहां पे साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इसकी बीज की पहचान कैसे करें। देखिए, बरबट्टी के जब भी फसल करते हैं तो छोटे बड़े हार्ड और सॉफ्ट काफ़ी सारे बरबट्टी के ऐसे किस्में हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको ये है कि कौन सी आपको किस प्रकार सी बीज को आपको बोना है। वो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक सॉफ्ट वाली बरबट्टी है और इसकी लंबाई तकरीबन और अमूमन इसमें 2.5 से 3 फुट के अंदर होता है दोस्तों। और मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ इसके अंदर के बीज, मैं पहचान करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बीज जो सॉफ्ट वाली है उसकी कैसी रहेगी। थोड़ी वीडियो स्पीड में किया हूँ ताकि आपको स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अब हाथ में डाल के दिखाता हूँ, और इसके ऊपर का हिस्सा में आप ध्यान दीजिए, जो बीज हैं इसके ऊपर के हिस्सा में ध्यान दीजिए, जो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद हैं, ये पानी में भिजाने के बाद क्लियर आपको दिखेगा, तभी मैं आपको बता पाऊँगा। तो इसके ऊपर का हिस्सा जो है सफ़ेद सफ़ेद है, इसका मतलब ये है कभी भी हम डब्बे खोलते हैं तो कलर से भरा हुआ रहता है पूरा बीज, आपको पता नहीं चला। लेकिन आपको हाथ में थोड़ा रगड़ के देखना है, इस प्रकार के ऊपर हिस्सा जो है सफ़ेद अगर हुआ तो आपको यही बीज खरीदना है। मतलब सील पैक अगर खरीद लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, उस दुकानदार के पास जो वही ब्रांड का दूसरा डिब्बा रहेगा खुला हुआ, उसका देख कर भी आप खरीद सकते हैं। तो डब्बे की पहचान करने के लिए 150 रुपये MRP है, और चक्रा इसका कंपनी का नाम है, और स्टिकर में आप घोर दीजिए, 2-3 तरीके से आप देखोगे 2-4 साइड से तो आपका कलर चेंज आएगा, इसी प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो डुप्लीकेट भी काफ़ी होते हैं। ये चक्र बहुत अच्छा होता है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पे मिट्टी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। ये लाइन से लाइन की दूरी जो है 3.5 फुट की दूरी हमने रखी है, और जो लंबाई अपना ज़मीन के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो जी के दर्शन में मैं यही बताता हूँ आपको एक एक करके कि बरबट्टी की फसल कैसे की जाती है और किस प्रकार से करने से अच्छी फसल होगी, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक आप उस पौधे से फसल ले सकते हैं। ये कंपोस्ट खाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये कंपोस्ट खाद वही है, आपको पता होगा जो केचुए खाद से हम बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं जिसको, केचुए का खाद है। बर्मी का मतलब केचुआ होता है, और उसका जो निकला हुआ गोबर है वो सब उसको कंपोस्ट कहते हैं। तो काफ़ी लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, इसके लिए मैंने बताया, और काफ़ी को मालूम है, जो किसान है उनको तो मालूम है ऑब्वियसली। तो ये वीडियो में देख रहे हैं बर्मी कंपोस्ट, जो केचुआ है उसका गोबर है, जो उसे हम कंपोस्ट कहते हैं। तो यही दिखाने को, और देखिए इसका अंडा जो है हाथों में मेरा, इसके अंडे है ये, तो इस प्रकार का रहता है। अगर अंडे के साथ साथ हम ऐसे बर्मी कंपोस्ट को अपने उसमें लगा देते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि वहीं पर भी जहां आप बो रहे हो, जहां पे बीज बोओगे, वहां पे खुद का खुद केचुआ बन जाएगा। इसमें रासायनिक की ज़रूरत नहीं है आपको, हालांकि रासायनिक काफ़ी जहां पे ये सब उपलब्ध नहीं है वहाँ पर करना पड़ता है, आप कीजिए। 12 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है किसी भी पौधे को ग्रोथ लेने के लिए, अच्छा प्रोडक्शन होने के लिए, या फिर क्वालिटी अच्छा होने के लिए, लंबे टाइम तक फलवार होने के लिए। लेकिन बर्मी कंपोस्ट जहाँ पे आप डालोगे वहाँ पे शायद ही ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी और चीज़ों की। तो आप ऊपर में विटामिन स्प्रे करके भी आप पौधे को ग्रोथ दे सकते हैं, जो कि कैल्शियम वगैरह वगैरह। और मैं
हर वीडियो में आपको एक बाल्टिंग दिखाता हूँ दोस्तों, वही बाल्टिंग में हर चीज़ में यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पेशली आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं। आपने लाइन से लाइन देख लिए, लंबाई जितना आपका ज़मीन है उस हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई जो है आपको उस हिसाब से नहीं रखना है। चौड़ाई बिल्कुल एक होना चाहिए, 3-3.5 फुट तो होना ही चाहिए। हम जब मचंग बनाएंगे तो मचंग बनाने का जो डिस्टेंस होता है जहाँ पे हम लोग अप डाउन कर सकते हैं, इसीलिए हमको थोड़ा चौड़ाई रखना ज़रूरी है। और जब भी आप मिट्टी को तैयारी करते हैं तो बढ़िया से मिला दें उसमें। जब बीज बोओगे तो आपको ये जो डिस्टेंस है इसको भी बराबर ध्यान देना है, 1-1 फुट का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। एक से दूसरे पौधा का डिस्टेंस जो है 1-1 फुट का होना चाहिए। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर आप पौधे की जो डिस्टेंस है उसमें ध्यान नहीं दोगे तो बाद में जाकर पूरी झाड़ी हो जाएगा, जंगल जैसा बन जाएगा, और घना होने के बाद में इसमें प्रोडक्शन जो जड़ हैं वो आसपास में ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण से विकसित नहीं हो पाएंगे। जितने जड़ अच्छे से विकसित होंगे उतना ही बढ़िया से आपको बढ़िया पौधा आपको दिखेगा और उससे लंबे अरसे तक प्रोडक्शन होते रहेंगे। नहीं तो जंगल सा बनेगा, कोई मतलब नहीं है खेती करने की। और हम आधुनिक प्रकार से अगर करते हैं तो इसमें बहुत ही बढ़िया से आपको ध्यान रख, जो लकड़ी है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी गहराई में आपको बोना चाहिए, बड़े ध्यान से देखिए। यही चीज़ है कि आपको सटीक जानकारी जी के दर्शन देना चाहता है, तभी आप जाकर आगे कुछ भी कर पाओगे। छोटी सी एक जानकारी आपको छूट गई तो हो सकता है कि बाद में अंदर का गुटी जब बारिश आकर पूरी तरह से, इतनी चौड़ाई होना चाहिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ हाथों से, और ये जो है 1.5 इंच का है, 1.5 इंच ज़मीन से 1.5 इंच के नीचे आप बोओगे तो परफेक्ट रहेगा। बारिश भी अगर आ जाएगी तो शायद ही बारिश जो दबाव देती है वो दबाव देने के बावजूद भी नीचे से जो पौधा है वो ग्रोथ कर पाएगा। देखिए बारिश भी आई है, बारिश का मौसम है, ये फरवरी का महीना है जब हम कर रहे थे। मिट्टी को बराबर सी बारीकी से बना ली है हमने, और इसमें तकरीबन 5-6 दिन के बाद में जो पौधा है वो निकल आएगा, ज़मीन फट कर वो पौधा निकल आएगा। देखिए हल्का सा निकल भी आया, ये देखिए ये बोने के ठीक 5 दिन बाद में है। और जो लाइन से लाइन की डिस्टेंस जो हमने 3 फुट रखी थी उसके बीच में हमने सरसों बोया था, और सरसों की फसल ले सकते हैं। अब मैं मचांग की प्रक्रिया को दिखा रहा हूँ आपको। जो रस्सी हमने यूज की वो 11 नंबर सुतली है, पाटे की नहीं है, ये रस्सी है, और जो प्लास्टिक का है ये भी आपको 18 नंबर का है। मचांग की प्रक्रियाओं को मैं आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और इसके ऊपर हम लाइन से लाइन जो मिला के बीच बीच में बम्बू लगा देंगे, और आपको ऊपर से ये जो मचांग बनाने की प्रक्रिया है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बीच में आप रस्सी देंगे, ऊपर भी आप रस्सी लगा दें, रस्सी नहीं लगाना, ऊपर तार लगाना है और नीचे भी तार लगाना है, बीच में रस्सी लगाना है। बोने के 10 दिन बाद में मचांग बनाना शुरू कीजिए आप। मचांग बना के ख़त्म होते ही लगभग 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे आपको, अगर 1 बीघा के अंदर में आप लगाते हो तो। और सॉफ्ट वाली बरबट्टी है आपकी, गुटली की पहचान भी आपको मैंने करवा दी है, आपको वही बोना है। तो इस प्रकार से आप रस्सी लगा सकते हैं। बात की जाए खरपतवार की तो देखिए आप, पौधों से 6 इंच की दूरी पर मैंने हाथों से निकाई की है, और जो भी बीज का हिस्सा बैठता है मैं खुद ही घर में अपना खरपतवार नाशक दवाई बना देता हूँ जो ऑर्गेनिक होता है, और उसी को मैं यूज़ करता हूँ। तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। यहीं पर मैं आज विदा लेता हूँ आप सभी से, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।